मातृशक्ति ऐसे नहीं तो वैसे, अगर हम बच्चा पैदा कर सकते हैं तो हम आजाद चुनाव भी लड़ सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि 33% रिजर्वेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अभी से मैदान में जैसे मैं उतरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के भरोसे उतरी हूँ, अपनी बहनों के भरोसे उतरी हूँ, क्योंकि यदि मैं आज ये नहीं करती तो कई महिलाओं की उम्मीदें टूट जाती, कई बहनें उदास हो जाती, कई बहनों का मन छोटा हो जाता कि हमारी बहन 5 साल से जो इस समाज से, इस राजनीति से जुड़ी हुई थी, आज उसको पीछे कर दिया गया। किसी में इतना दम नहीं जो मुझे पीछे कर सके। क्यों? मैं माता रानी की भक्त हूँ और मेरे साथ मातृशक्ति है। ये ब्रह्मांड की शक्ति जो है, वो जब शक्ति है वो शिव की शक्ति है, वो ब्रह्मा की शक्ति है, वो विष्णु की शक्ति है और वो इस समाज की शक्ति है, तो फिर चुनाव में पीछे क्यों हटना। मैं अपने सारे भाइयों पे, बहनों पे और अपने समाज से, अपने दूसरे समाजों से, हर समाज से, हर वर्ग से, युवा से, माताओं से, बहनों से ये
निवेदन करती हूँ, तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए मुझे वोट दें। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर के आज़ाद उम्मीदवार जिस पलड़े में होंगे, वही पलड़ा जो है वो निर्णय लेगा कि आखिर सत्ता किसकी होगी। और सत्ता उसी की होगी जो ईमानदारी से जो है वो जनता के बीच कार्य कर रहा होगा। आज जब टिकट्स देने की बारी आई, जब मैंडेट देने की बारी आई, तो पैराशूट से लोग लाए गए। मैं भाइयों को, बहनों को, सभी माताओं को ये संदेश देना चाहूंगी, उखाड़ फेंक दो ऐसे जो नेता जो पैराशूट के माध्यम से आए हैं, उनको उखाड़ फेंकिए और उनको चुनिए जो आपके बीच हैं, जिन्होंने आपके लिए जितना उनसे हो सका उतना कार्य किया। और उसके बाद जिसकी हुकूमत होगी और जो इस समाज के लिए अच्छा होगा, हम उसके पलड़े में गिर के उसके पलड़े को भारी करेंगे। मैडम, क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों की डिमांड? प्राथमिकता यही रहेगी कि युवाओं के लिए रोजगार, मेरे युवाओं के लिए भर्तियां, जो जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से नहीं हुई, सबसे पहले भर्तियां, उसके बाद घर घर रोजगार महिलाओं के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना सक्षम अभी हुआ नहीं। और मैं चाहूंगी कि जरमाल से लेकर, नकिया से लेकर, डडोली से लेकर, बिगुआ से लेकर, खोख्याल से लेकर, हर जगह गाड़ियां चलनी चाहिए, गोविंदसर से लेकर, हमें समय का इंतजार ना करना पड़े, हमारे बच्चों को ऑटो में खज्जल ना होना पड़े, हमारी जो स्कूल जाते हैं स्टूडेंट्स उनको खज्जल ना होना पड़े ऑटो में। हम गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस पूरे इलाके का दुरुस्त करेंगे और अपने युवाओं की नौकरियां और उसके बाद में जो पेंशने जो बढ़ाने हैं वो 5,000 करेंगे, 2,000 नहीं। भीख थोड़ी लेनी है मेरे बुजुर्गों ने, आजकल तो दवाइयां भी 500 की नहीं आती। तो इसके लिए अगर हम जिस सत्ता में जाएंगे, उस सत्ता को बोलेंगे आप 5,000 पेंशन करो बुजुर्गों की, चाहे कोई भी हो, जिसको भी पेंशन मिलती है, विधवाओं को, बच्चों को, विकलांगों को, उनको 5,000 पेंशन और बिजली मुफ्त। जब दिल्ली में मिल सकती है तो जम्मू कश्मीर तो खुद बिजली बनाता है, यहाँ पे भी बिजली मुफ्त होनी चाहिए। भले ही आप मीटर लगाओ नहीं लगाओ वो बात की बात है, लेकिन बिजली मुफ्त, मीटर 4,000 लगाओ लेकिन बिजली मुफ्त दो। और दूसरी बात, युवाओं के लिए रोजगार, सिर्फ फॉर्म नहीं भराने हैं, पैसा इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि उनको नौकरियां भी देनी है। और जितना पैसा, जितने स्कैम्स हुए हैं वो सारे खुलने चाहिए, हुकूमत आएगी उससे गुजारिश होगी कि वो ये सारे स्कैम खोले। और मीडिया बैठना 100 मीटर से बाहर प्लीज।